हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम तिरुमला है घूमने के लिए। तिरुमला अगर आप आएंगे तो फर्स्ट बड़ा स्वामी का दर्शन करना चाहिए आपको, क्योंकि वेंकटेश्वर इधर रहने से पहले ये जो तिरुमला का जो जमीन का ओनर है, मालिक है, वो बड़ा स्वामी है। वो उनको परमिशन दिए थे इधर रहने के लिए। इसके लिए बालाजी ने उनको आशीर्वाद दिए थे कि जब भी कोई लोग आएंगे पहले आपसे मिलेंगे, आपसे नमस्ते करके हमारे पास आएंगे। जो आपको पहले नमस्ते करके, आपको पैर छू के, आपको दर्शन करके हमको दर्शन करने के लिए आएगा, उसको पुण्य दोगुना हो जाएगा। दिखा देती हूँ, दूर से बहुत भीड़ है, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। ये वराहस्वामी का टेम्पल देख सकते हैं कितना भीड़ है। साफ तक रहा है, बात देखिए कितना भीड़ है। 3-4 घंटा लगेगा अंदर जाके भगवान को दर्शन करने के लिए। दूर से दिखा देती हूँ, देखिए वराहस्वामी भगवान का मूर्ति है का। फिर आने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो तिरुपति है। तिरुपति से तिरुमला 22 किलोमीटर है। बस में अगर आएंगे तो राम बगीचा के पास उतर के आप पैदल आ सकते हैं। अगर आलूपुर साइड में आप आएंगे स्टेप में तो 3500 स्टेप है, वो थोड़ा मुश्किल है। नहीं तो आप चंद्रगिरी साइड में अगर आएंगे आपको 2388 स्टेप है, आप उधर से भी आ सकते हैं, वही बेस्ट है। वो आलूपुर साइड का स्टेप थोड़ा लंबा लंबा है, बड़ा बड़ा है, और हाइट भी ऐसे है, हाइट चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। स्पेशल टिकट करने के लिए आपको तिरुपति जाना पड़ेगा। तिरुपति बस स्टैंड के पास है वो टिकट करते हैं, टिकट काउंटर में। देखिए कितना भीड़ है। अगर आप सर को दर्शन करेंगे तो चंद्रगिरी में, डायरेक्ट चंद्रगिरी में आपको टिकट ले सकते हैं, टोकन ले सकते हैं। सर्व दर्शन के लिए भी, फ्री दर्शन के लिए भी आपको टोकन लेना पड़ेगा, नहीं तो अंदर अलाउ नहीं करेंगे। देखिए कितना भीड़ है। मैं भी आके बैठा हूं। आज के लिए बात इतना है, रखती हूँ। मुझे नेक्स्ट वीडियो तब तक बाय बाय।